once again. So, wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. तो मैं उम्मीद करती हूँ आने वाला साल आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए और आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. क्यों? क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर पे मुझे मिला है ये तोहफा 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 तोहफा. तो ये मुझे मिला है, मैं आपको क्यों दिखाना चाह रही हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस तोहफे के लिए और मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि क्या है इसके अंदर. क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था न्यू ईयर क्रिसमस पे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने यही बोला था कि मुझे ऐसी कोई चीज ला के दो जो यूट्यूब से रिलेटेड हो और मैं उसके ऊपर वीडियोज बना पाऊं. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि यूट्यूब से जुड़ी हुई ऐसी क्या चीज हो सकती है इस डिब्बे के अंदर. तो चलिए ढूंढते हैं क्या है यूट्यूब से रिलेटेड इसके अंदर. तो चलिए आप मेरे साथ देखिए फर्स्ट टाइम क्या है इसके अंदर. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू ओपन इट गाइस. मेरे तोहफे का पिटारा खुल चुका है और इसके अंदर जो चीजें हैं, ट्रस्ट मी गाइस, मैं सारी चीजें कई दिनों से लेना चाह रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. और लेकिन हर बार टीवी में एड्स देख के मैं बोलती थी मुझे ये वाला चाहिए, कब जाऊं कब जाऊं कब लेने जाऊं. अब फाइनली मुझे न्यू ईयर पे ये सारी चीजें एज अ गिफ्ट मिल चुकी है. तो आई एम रियली एक्साइटेड और आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि ये सारी जो प्रोडक्ट्स के रिव्यू है ना, मैं आने वाले एपिसोड में दूंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे, ताकि आप प्रोडक्ट लेने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा है, अच्छा हैवी या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलिया भट्ट से. हाँ, आलिया इस चीज का एड बहुत ज्यादा कर रही है. ये कौन सा प्रोडक्ट है? ये है गार्नियर स्किन नेचर्स क्लींजिंग वाटर, रिमूव्स मेकअप क्लींजर, सूथ्स योर फेस आईज लिप्स, नो परफ्यूम, सुटेबल फॉर एवरी सेंसिटिव स्किन. तो ये एक बार में अगर आप चेहरे पे लगाएंगे तो सारा मेकअप निकल जाएगा, ऐसा आलिया भट्ट कहती है कि फ्यू सेकंड्स में सारा मेकअप रिमूव कर देता है, चाहे वो वाटर प्रूफ हो या वाटर रेजिस्टेंट हो, कैसा भी मेकअप हो निकल जाएगा, चाहे मस्कारा हो लिपस्टिक हो. और ये आता है 175 का आता है और मुझे इससे हाई एक्सपेक्टेशंस है. लेट्स सी ये कितना कारगर है भी या नहीं. और उसके बाद ये है पैंटीन का. आप अपने बालों में ऑयल बहुत ज्यादा लगाते हैं ना, कभी कभी ऑयल नहीं भी लगा पाते, तो ऑयल का जो प्रोटीन होता है, पोषण होता है, जो पोषण होता है, नरिशमेंट होता है, वो आप अपने बालों को कैसे प्रोवाइड करें, उसके लिए आप क्रीम लगा सकते हैं बालों में. क्रीम, जी हाँ, आप बालों में क्रीम लगा सकते हैं जो कि पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम है. ये कहता है कि आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं, आप ये वाला क्रीम लगाएंगे तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे और बहुत पावरफुल नरिशिंग इसके अंदर चीजें हैं जिससे आपके बाल एकदम मजबूत भी हो जाएंगे. तो मुझे नहीं पता ये कितना कारगर है या नहीं, लेकिन बोला तो इसने अपने बारे में बहुत कुछ है. और पैकेजिंग आप देख रहे हैं गोल्डन कलर की है, बहुत ज्यादा क्यूट है, 80 ml है और प्राइस इसका नियर 80 rupees का है. तो इसका रिव्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए. बिना तेल लगाए मैं रह नहीं सकती, क्रीम के साथ कैसा रहेगा, आई एम एक्साइटेड टू नो. अब कुछ फेस वॉश है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके. ये एवर यूथ नेचुरल्स जेंटल एक्सफोलिएटिंग एप्रिकॉर्ड स्क्रब. तो ये स्क्रब है और ये जेंटली रिमूव्स ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन सेल फॉर डेली यूज. तो ये लिखा है कि आप डेली यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूं स्क्रब डेली आपको यूज नहीं करना है. हफ्ते में दो बार भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन स्क्रब करना बहुत जरूरी है ताकि जितना भी डर्ट ऑयल ग्राइम आपके स्किन पे है वो स्क्रब से निकल जाए और चेहरा आपका बहुत ही शाइनी ग्लो करने लग जाए. लेकिन ये वाला स्क्रब कैसा है, लेट्स सी. एप्रिकॉट बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए, लगाने के लिए भी. एमआरपी कौन बताएगा? और इसकी एमआरपी कौन बताएगा, मैं बताऊंगी. इसकी एमआरपी है, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढती रह जाऊंगी भाई. तो 70 rupees, ये है 70 rupees का ओनली. और उसके बाद एक और फेस वॉश है, ये हिमालय हर्बल फेयरनेस केसर फेस वॉश. केसर खाने लगाने के लिए तो बेस्ट होता है और हिमालय के सारे फेस वॉश बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो नीम हो, तुलसी हो या फिर ये केसर वाला हो. लेकिन ये केसर वाला मैंने ट्राई नहीं किया है. इसमें केसर के साथ मिंट भी है. ये 50 ml का है और इसका प्राइस है अगेन 70 rupees. और ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है या नहीं, लेट्स सी अगले रिव्यू में. इसके साथ एक और फेस वॉश है और ये बहुत ही अच्छा है. ये हिमालय हर्बल नीम फोमिंग फेस वॉश है. इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं कितना क्यूट है और ये कितना स्प्रे बॉटल पंप टाइप का है. यहाँ से आप बस डब्बा खोलेंगे, पंप करेंगे और आपको फेस वॉश करना है. क्या हैंडी है, ट्रेवल फ्रेंडली है. सो दिस इज ट्रायल पैक अवेलेबल फॉर 75 rupees. फॉर दिस इज 50 ml 75 rupees का. आई थिंक बहुत चीप है, बहुत सही है पैकेजिंग वाइज. आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो ना तो इसको तो ले जाना बनता ही है.
दूसरा है हमारे पास गार्नियर स्किन नेचर्स का प्योर एक्टिव नीम प्योरिफाइंग फेस वॉश. गार्नियर स्किन नेचुरल्स का प्योर एक्टिव प्योरिफाइंग फेस वॉश हेल्प फाइट पिंपल्स एंड मार्क्स. तो ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये आपके पिंपल्स को फाइट करेगा, एक्ने को दूर करेगा. हालांकि इसके अंदर नीम है तो ये ऐसा कर भी सकता है, बट कर सकता है, किया है या नहीं है मैं आपको यूज करने के बाद बताऊंगी. एमआरपी मैंने नहीं बताया आप लोगों को. ये है 55 रुपीज का. गार्नियर का बजट फ्रेंडली है यार, बहुत सही है. उसके बाद एक और है हिमालय हर्बल प्योरिफाइंग नीम पील ऑफ मास्क लाइटन पिंपल मास्क. दोस्तों मास्क लगाने से आपका चेहरा टाइटन अप हो जाता है, पिंपल्स एक्ने दूर हो जाते हैं, एक ग्लो आता है, क्लीन हो जाता है फेस, सारा डर्ट निकल आता है मास्क के साथ. तो मास्क आपको लगाना चाहिए और नीम का मास्क तो जरूर लगाएं अगर आपके फेस पे पिंपल्स एक्ने हैं तो. और ये हिमालय का नीम फेस मास्क मैंने कभी यूज नहीं किया है, अब मैं यूज करने वाली हूँ. 70 रुपीज का है, आप मुझे बताइए अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो. उसके बाद है एक और फेस वॉश एवर यूथ नेचर्स एंटी एक्ने एंटी मास्क तुलसी टर्मरिक फेस वॉश प्रोवन इफेक्टिव. सो इसके अंदर टर्मरिक है और तुलसी है. तुलसी और टर्मरिक दोनों स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और बिकॉज ये एवर यूथ का है तो मुझे इससे भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं. ये 45 रुपीज का है, बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है. दोस्तों लगता है फेस वॉश खत्म हो गए, नहीं एक और रहता है, फेस वॉश कुछ ज्यादा ही है. निट्रिजिना डीप क्लीन फेशियल क्लिंजर, ये फेस वॉश नहीं है, ये क्लिंजर है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए. और ये 50 ml है, इसका प्राइस है 110 रुपीज. इसका प्राइस 110 रुपीज है. अच्छा अब है हिमालय का प्योर हैंड लीची हैंड सैनिटाइजर. अब सैनिटाइजर में भी फ्लेवर आने लगे, लीची फ्लेवर. इट किल्स 99.9% ऑफ जर्म्स. अब तक मैं डिटॉल का ही यूज कर रही थी सैनिटाइजर और इसका मैं पहली बार यूज करूंगी. लेट्स सी कैसा है ये. 50 ml है और इसका प्राइस 60 रुपीज है. 60 रुपीज, ओके नॉट बैड. उसके बाद अब आते हैं फियामा जेल क्रेम बॉडी वॉश. सो ये साबुन लगाते हैं आप, लगाते ही होंगे ऑफकोर्स. साबुन कभी लगाने का ना मन करे तो एक पंप कीजिए, एक जरा सा बटर के दाने जितना ये निकालिए, ठीक है. एक लूफा आता है, लूफा मतलब वो नेट का सर्कल सा होता है, उसके अंदर आप उसको वेट कर लीजिए और वो जो मटर के दाने जितना ये आपने निकाला है उसको पानी से गीला करके बॉडी में लगाएंगे तो शैम्पू जैसा झाग देगा. पर ये आपको बालों को नहीं साफ करना है, बॉडी को साफ करना है. तो ये बॉडी वॉश है. ये भी मैं ऐड तो आपने देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनके लिए था ये कि बॉडी वॉश क्या होता है. तो फियामा बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसकी खुशबू अभी तो आ नहीं रही है लेकिन फियामा के मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है. ये है 55 रुपीज का. नहीं, इस पे लिखा है पहले 90, उसको कट किया है, फिर लिखा है 55 और ये आता है 35. आप सेव कर सकते हैं इसमें. और 100 ml का है, बहुत प्यारी क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी. उसके बाद है ये बोरो प्लस हेल्दी स्किन एलोवेरा एंड कोकोनट मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश हर्बल. कितनी फेस वॉश, बोरो प्लस हेल्दी स्किन एलोवेरा एंड कोकोनट मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश हर्बल रिमूव्स डलनेस हाइड्रेट स्किन. तो ये आता है अच्छा बोरो प्लस का फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं, जिसके साथ एलोवेरा जेल भी है और कोकोनट ऑयल भी है. तो ये है 55 रुपीज का जो कि 60 ml का है. पैकेजिंग एवरेज है बट बोरो प्लस का है तो बोरो प्लस तो मुझे बहुत पसंद है. ये एक नई चीज लग रही है मुझे, एंगेजमेंट. ये है वुमेन प्लस एंगेजमेंट स्वीट ब्लॉसम पॉकेट परफ्यूम. पॉकेट परफ्यूम ऐड देखी है मैंने इसकी, तो ये होता है पॉकेट परफ्यूम. काफी अच्छी पैकेजिंग है यार, बहुत सही है ये. 18 ml का है, 60 रुपीज. 60 रुपीज ज्यादा सी. 250 स्प्रेज. अच्छा ये स्प्रे बॉटल में इसमें लिखा है 250 स्प्रेज कर सकते हैं आप तो अच्छा है. और उसके बाद है हिमालय स्ट्रीट सॉरी हिमालय स्ट्रेस रिलीफ मसाज ऑल रिलीव स्ट्रेस रिलैक्स बॉडी 200 ml. तो ये मसाज ऑयल है, आप इसे मसाज करके रिलैक्स फील कर सकते हैं. मसाज करने के बाद तो हमेशा रिलैक्स फील होता है. तो हिमालय का है और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगी.
प्राइस है इसका 200 ml है और 130 rupees का है. आई थिंक बजट फ्रेंडली है काफी, है ना. चलिए, ये है स्कैल्प थेरेपी, पैराशूट एडवांस स्कैल्प थेरेपी. ये तो हम लोगों को तो बहुत चाहिए यार. मेरे सारे ऑडियंस पूछते हैं आप अच्छा तेल बताइए बालों के लिए. इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, ये पैराशूट का है एडवांस स्कैल्प थेरेपी. वाओ, ये समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सबसे पहले मैं इसी का रिव्यू देने वाली हूँ. पोर इंटू पाम, जेंटली मसाज इंटू स्कैल्प फॉर फ्यू मिनट्स, लीव इट फॉर 8 hours फॉर ओवरनाइट, वॉश इट ऑफ द नेक्स्ट डे विद अ गुड शैम्पू, अप्लाई 3 times अ वीक. तो ये क्लेम करता है कि आपके बाल ये वापस ले आएगा. और ये आता है 100 ml आता है 150 rupees का. लेट्स सी कैसा है. अच्छा, बीबी क्रीम के बारे में तो सुना ही देखा होगा आपने. ये बीबी टैल्कम पाउडर है. टैल्कम पाउडर फेस पे, देखते हैं क्या असर करता है. स्पिन्स का है ये. ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी फेस टैल्क, इंस्टेंट ग्लो, कवर स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस, एंड दिस इज फॉर 45 rupees. क्यूट सी पैकेजिंग है, गर्लिश है. अच्छा है. और ये है लिवॉन सीरम. लिवॉन सीरम को ऑलरेडी रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, तो इसके बारे में आपको ज्यादा क्या बताऊं. इसका रिव्यू मैं दोबारा नहीं करने वाली, आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं. ये है डाबर का गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लेंजर. तो आपको फेस को क्लीन करना चाहिए सोने से पहले हमेशा. गुलाब जल से फेस क्लीन करेंगे तो अच्छा टोनर है. ये है डाबर का गुलाबरी रोज ग्लो फेस क्लेंजर. हमेशा मैंने गुलाब जल देखा है डब्बे में, जिसके साथ ये पंप नहीं होता, लेकिन इसके साथ ये पंप है, तो इससे मैं बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है. ये एक दो ड्रॉप लेकर के इजी लेवल, क्योंकि वो डब्बे में होता है तो ऐसे निकाल के लगाना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट भी लग रहा है, और कन्वीनियंट लग रहा है. और इसके साथ फ्री है फेयरनेस फेस वॉश. तो फेस वॉश जिसके अंदर गुलाब जल है, तो इससे भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है. लेट्स सी ये कैसा है. लैक्टिक एलिमाइन डेली फेस क्रीम लोशन ऑयल बैलेंस फॉर ऑयली स्किन. दिस वन इज फॉर ऑयली स्किन. दो कलर में आते हैं ये, पर्पल और ग्रीन कलर का. पर्पल वाला ऑयली स्किन के लिए है, ग्रीन कलर का ड्राई स्किन के लिए है. ये 75 rupees का है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. ये एज अ बीबी क्रीम वर्क करता है. इसके अंदर SPF भी होता है और आपके फेस पे अगर पिम्पल्स वगैरह है ना, तो उसके लिए भी काफी अच्छा होता है. मैं इसका रिव्यू दूंगी मैं आपको. और ये सोप है हिमालय का, नीम एंड टर्मरिक सोप. नॉर्मल सोप लक्स का आप यूज करते हैं जिसके अंदर गुलाब की खुशबू आती होगी, उससे तो अच्छा है आप नीम सोप यूज कीजिए. उसे मतलब एंटीसेप्टिक होता है नीम सोप यूज करना, और अच्छे से डीप प्योरीफाई और क्लीन करता है, तो ये ज्यादा बेटर है. माय गॉड, मेरे टेबल पे स्पेस नहीं है चीज रखने के लिए. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई मीन लास्ट, ये है चॉकलेट. अब मैं इसका क्या रिव्यू दूं. चॉकलेट तो चॉकलेट ही होता है, आप देख लीजिए. तो ये मैं अकेले खाने वाली हूँ. आप लोगों को शेयर करना है मेरे साथ, तो आ जाइए शेयर कर लीजिए. वैसे तो आ नहीं पाएंगे, बट दैट वॉज ही ऑलवेज डज दैट. मेरे लिए ही ब्रिंग्स द थिंग्स एंड ही ऑलवेज ईट्स दैट. एवरीथिंग ही ईट्स, चाहे वो मिठाई हो, लड्डू हो, बिस्किट हो, समोसे हो, स्पेशली स्पेशली मिठाई और स्वीट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है मेरे नाम पे बिल पड़ता है. मेरे लिए चीजें आती हैं, बट वो कभी मुझे नहीं मिलती हैं. ऑलवेज ही ईट्स एवरीथिंग. बिल पड़ता है, ऐसे बोलोगे? यस, आई विल टेल एवरीवन ऑन दिस होल वाइल्ड बोल, ही ईट्स एवरीथिंग. एवरीथिंग रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे? रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए, क्या मुझे क्या देना चाहिए गाइस? कम ऑन, कमेंट की जाऊं. अच्छा ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. मैं अगर आपको कैमरा डाउन करके दिखाऊं तो अगर आप देख पाए. नहीं देख पाएंगे, छोड़ो. सेटिंग तो ये था आज का रिव्यू मेरे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में. आप प्लीज मुझे लिखकर के बताइए आपको कौन से चीज के बारे में सबसे पहले जानना है, और किस कौन सा आइटम आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाने के लिए. ठीक है, तो ये था आज का वीडियो. अगेन विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक.